हुई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। ठीक है, सैमसंग एक्सिनोस 2100 और एप्पल A14 बायोनिक चिप, कौन सी दोनों कंपेयर करेंगे और किस किस चीज तेज है, कौन सी बेटर है और कौन सी हमें खरीदनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। दोनों प्रोसेसर के कोर्स की बात करते हैं, किसके कोर्स ज़्यादा हैं। एप्पल A14 चिप की बात करें तो एप्पल A14 चिप के अंदर आपको 6 कोर्स मिलेंगे इसके अंदर, और सैमसंग एक्सिनोस 2100 के अंदर 8 कोर्स मिलेंगे। सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो एप्पल A14 के अंदर आपको सिंगल कोर स्कोर 1609 मिलेंगे और सैमसंग एक्सिनोस के अंदर 1101 मिलेगा, जो कि सैमसंग का कम है स्कोर और एप्पल का ज़्यादा है। मल्टी स्कोर की बात करें तो एप्पल A14 चिप के अंदर आपको मल्टी कोर स्कोर आपको 3631 मिलेगा और सैमसंग एक्सिनोस भी 3631 मिलेगा, सेम ही है मल्टी कोर स्कोर रेटिंग। रैम स्पीड की बात करें तो एप्पल A14 के अंदर आपको रैम स्पीड मिलेगी 3200 मेगाहर्ट्ज की और एक्सिनोस के अंदर भी 3200 मेगाहर्ट्ज की ही मिलेगी, सेम रैम स्पीड मिलेगी आपको। कैच कितने MB फाइल कैच करता है, ये एप्पल A14 के अंदर आपको 8 MB कैच फाइल करता है और सैमसंग एक्सिनोस 4 MB कैच फाइल करता है। यहाँ पर एप्पल A14 ज़्यादा बेटर है कैच के मुकाबले में। चिप साइज, एप्पल 14 का चिप साइज 5 nm का है और सैमसंग एक्सिनोस का भी 5 nm का ही है, दोनों ही सेम है साइज में। पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो पावर कंजप्शन दोनों का ही, एप्पल A14 का पावर कंजप्शन आपको 6 वॉट का मिलेगा और सैमसंग एक्सिनोस के अंदर आपको 10 वॉट का मिलेगा। एप्पल A14 पावर कंजप्शन कम करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।